सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 5 लाख रुपए तक कमाने वालों को इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है, यानी 5 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि फिलहाल ये राहत सिर्फ 2 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए ही है, यानी अभी 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाले टैक्स स्लैब में नहीं है, जिसे मौजूदा सरकार 5 लाख तक करने की तैयारी कर रही है। मतलब कम कमाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि सरकार और वित्त मंत्रालय हेल्थ प्रीमियम और होम लोन में भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से 20 जून तक रिपोर्ट मांगी है। तो आम आदमी के लिए फायदे की बात है, आपकी जेब से जुड़ी ये बात है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो 5 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को टैक्स के दायरे से मुक्त किया जा सकता है, यानी टैक्स फ्री ये कमाई बनाई जा सकती है। बहरहाल अभी इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है सीबीडीटी से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से ये रिपोर्ट मांगी गई है। 20 जून तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है, 20 जून तक की कहा गया है कि रिपोर्ट सबमिट करें और उसके बाद ही इस पूरे मामले में विचार विमर्श किया जाएगा, फैसला इस पर होगा। लेकिन लोगों को कितना फायदा होगा इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो मोदी सरकार का नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, वाकई अगर ऐसा होता है तो लोगों के लिए कम से कम ये जरूर लोग कहेंगे कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन किस तरीके से आएंगे, क्या प्लानिंग है सरकार की, किस तरह की कटौतियां की जाएंगी और किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रिपोर्ट मांगी गई है, 20 जून तक का टाइम है, 20 जून तक ये रिपोर्ट सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को ये रिपोर्ट सौंपनी है और उसके बाद ही सरकार ये फैसला लेगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो 2 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हैं उन्हें ही टैक्स के दायरे से मुक्त किया गया है, यानी अभी 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाले टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक ये करने जा रही है, और मतलब ये कि कम कमाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। शमी चौधरी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमी, आपसे हम सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल हम यही जानना चाहेंगे, मोदी सरकार का नारा था अच्छे दिन आएंगे, और वाकई क्या इसके बाद हम माने कि आम लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे, और कैसे आएंगे, किस तरीके से ये होगा मुमकिन? बिल्कुल, देखिए जो नए वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, अपने पहले बजट में राहत यहां दे सकते हैं टैक्स पेयर्स को। जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उनके मुताबिक वित्त मंत्रालय ने यहां पर टैक्स जो अभी छूट मिलती है उसका दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिसमें 3 टैक्स के नियमों में यहां दायरा बढ़ाया जा सकता है, जिसमें शामिल है फिलहाल जो इनकम टैक्स लगता है 2 लाख की सैलरी पर, उसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस जो फिलहाल 15,000 का है उसको 20,000 किया जाए, और इसके अलावा जो होम लोन पर इंटरेस्ट पर छूट मिलती है उसको भी रिव्यू करने की बात यहाँ हो रही है, इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए यहाँ वित्त मंत्रालय ने सीबीडीटी से एक ब्रीफ रिपोर्ट मांगी है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो सरकार को यहाँ कितना नुकसान होता है, और इसी पर सीबीडीटी जो है अपनी एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसके मुताबिक जो हमें अब तक जानकारी मिल रही है, अगर इनकम टैक्स का ये जो टैक्स छूट का दायरा है वो बढ़ाती है सरकार, तो यहाँ पर 60,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर यही काम हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर किया जाए तो करीब 250 करोड़ का नुकसान होगा, और होम लोन के इंटरेस्ट पर अगर यहाँ पर जो प्रावधान है, जो फिलहाल के प्रावधान है, उनको यहाँ रिवाइज किया जाए तो करीब 2,000 करोड़ का नुकसान यहाँ सरकार को हो सकता है। लेकिन सीबीडीटी ने एक और पॉइंट यहाँ अपने रिपोर्ट में वो जाहिर कर सकता है, वो ये है कि अभी फिलहाल भारत में 3 करोड़ एसएससीज हैं जो टैक्स पे करते हैं, लेकिन अब 5 लाख का अगर दायरा किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इनकम टैक्स पे करेंगे और जो दायरा है वो बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए, श्री में हमारी समाता जानकारी दे रही। लेकिन टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो टैक्स गुरु हम आपसे जानना चाहेंगे, सरल भाषा में अगर हम आप आम आदमी को समझाएंगे, अगर ये सब मुमकिन होता है फायदा कितना होगा आम आदमी के लिए? सबसे पहले तो ये देखना है ये मुमकिन होता है या नहीं होता है, पर मान के चलें कि सरकार ने जब ये शुरू में वादा ही कर दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और करदाता के लिए तो अच्छे दिन उस दिन होते हैं जब उसके घर में पैसे बचत हो जाते हैं टैक्स के रूप में, और अगर सरकार 5 लाख तक का एग्जम्पशन कर देती है तो हर इंडिविजुअल टैक्स पेयर को 30,000 रुपए तक की बचत होगी,
जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बचत है और आज तक की सबसे बड़ी बचत होगी अगर सरकार एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए करे। पर मुझे नहीं लगता कि सरकार एक तरफ 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट करेगी, दूसरी तरफ 80C का डिडक्शन बढ़ाएगी, तीसरी तरफ होम लोन में छूट देगी और चौथी मेडिक्लेम पॉलिसी में भी छूट देगी। सब चीजें मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि अन्य छूट दायरे से हट जाए और केवल बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो केवल 5 लाख हो जाए, उससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कम से कम 3 लाख रुपए तो बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन करे और 80C का डिडक्शन कम से कम 2 लाख रुपए करें और हाउसिंग लोन जो 1.5 लाख चल रहा है इतने सालों से उसको कम से कम 2.5 लाख करना चाहिए। पर डेफिनेटली आज मेरे ख्याल से हमारे भारत के करदाताओं को रात को नींद भी नहीं आएगी क्योंकि खलबली मच रही है कि कब 20 तारीख आए और पता चले कि सरकार 5 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट कर रही है। पर हाँ, मेरा ये मानना है ये मुमकिन हो सकता है केवल एक पॉइंट के ऊपर और वो पॉइंट है सरकार विदेश में हमारे ब्लैक मनी को जल्दी से लेके आ जाए और जबरदस्त विदेश से हमारा ब्लैक मनी वापस भारत में आ जाए, तब 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जी जी सुभाष जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, विचार तो किया जा रहा है हालांकि रिपोर्ट का भी इंतजार है, लेकिन चुनौतियां किस तरह की हैं सरकार के सामने? ऐसी कोई चुनौती नहीं है। सरकार एक तरफ केवल ये सोच ले कि करदाता को प्रेरित करके सिंपल लाइफ बनानी है उनकी और जो टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, उनको हमें पकड़ना है, केवल ये दो चीजें सोच ले और इनकम टैक्स रेड के राज को एक साल के लिए बंद करके केवल उन लोगों पे टूटे सरकार जो टैक्स देते ही नहीं चोरी करते हैं, केवल ये एक फॉर्मूला अपना ले तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगर ये मुमकिन होता है तो क्या क्या इस तरह के पॉइंट्स हैं जिसको लेकर सरकार फिर आगे बढ़ेगी? सरकार केवल ये देखेगी कि जो हमने वादा किया सच्चे दिल से किया क्या। हमको सरकार को यही ललकारना है कि हाँ, आपने सच्चे दिल से वादा किया कि टैक्स पेयर्स और भारत के करदाता और भारत के आम आदमी उसको तकलीफ नहीं होगी और इन्फ्लेशन का भी मार नहीं पड़ेगी। अगर ये एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख कर देते हैं तो इन्फ्लेशन की मार से भी हमारे भारत के करदाता बच जाते हैं और एक नई प्रणाली शुरू होती है, केवल टैक्स दो चोरी मत करो। पर आज जिस तरह से अन्य आगे पीछे मिल मिला के टैक्स पड़े हैं वो परेशान ज्यादा करते हैं। एजुकेशन टैक्स 2 तरह के, फिर सरचार्ज, फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, फिर उसके अलावा डेरिवेटिव्स के लिए उनके लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब हट जाने चाहिए, लाइफ सिंपल होनी चाहिए। कुल मिलाकर करदाता भारत का चोरी करना नहीं चाहता है, वो केवल यही चाहता है कि लाइफ इजी रहे, सिंपल रहे, कैलकुलेशन इजी रहे। यानी आपका ये कहना है कि सारे इधर उधर के जो टैक्सेस लगते हैं उनको हटाकर एक टैक्स लगना चाहिए और उसी के तरफ सरकार को सोचना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, केवल यही सोचना चाहिए, एक तरह का टैक्स, लाइफ इजी सिंपल, टैक्स चोरी करने की इच्छा नहीं हो। नहीं तो आज जो लोग स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस का काम करते हैं, इंट्रा ट्रेडिंग डे करते हैं, वेतनभोगी कर्मचारी हैं ऐसे लोग ज्यादातर अपनी इनकम को दिखलाते भी नहीं है क्योंकि दिखलाने में, कैलकुलेशन करने में उन्हें बड़ी परेशानी लगती है। इसलिए लाइफ होनी चाहिए बड़ी सिंपल। बिल्कुल, शिमी हमारी समाचार भी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिमी, प्लानिंग क्या है सरकार की? देखिए, यहाँ पर फिलहाल CBDT से पूरा रिव्यू मांगा गया है कि आखिर अगर ऐसा सरकार करती है तो कितना टैक्स बोझ बढ़ जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह का रहेगा, और इसके लिए CBDT को यहाँ 20 जून तक अपना पूरा रिव्यू रिपोर्ट तैयार करना है। हालांकि CBDT, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि उन्होंने ये पॉइंट रेज किया है कि 3 करोड़ लोग ही फिलहाल टैक्स भरते हैं और ऐसा करने से अगर 5 लाख तक की लिमिट यहाँ बढ़ाई जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ सामने आएंगे और इनकम टैक्स जो है रिटर्न फाइल करेंगे। और साथ ही होम लोन की बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आगे आएंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ लोगों का बढ़ेगा और इसी तरह से इंश्योरेंस को भी लेकर यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है रुझान यहाँ लोगों का बढ़ेगा। लेकिन जो लखोटिया जी यहाँ कह रहे हैं कि पूरा एक टैक्स सिस्टम होना चाहिए, इसके लिए शायद इस बजट में कोई अनाउंसमेंट आपको नहीं देखने को मिले क्योंकि एक सिस्टम टैक्स का करने के लिए काफी रिव्यू की यहाँ जरूरत पड़ती है, काफी समीक्षा की जरूरत है और काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस ये होता है जिसे करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा वक्त करने की जरूरत है, जो फिलहाल अभी पहले बजट में होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन देखना यह होगा कि 20 जून को जो रिव्यू रिपोर्ट देती है CBDT की
तरफ से जो जाता है उसे किस तरह से सरकार कंसिडर करती है और किस तरह का फैसला आम लोगों के लिए लेकर आती है। जी बिल्कुल, एक तरह की टैक्स की सही आपने बात की, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि सरकार भी पहली बार में ही इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं करेगी, शायद वक्त लेगी। और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि शायद लखोटिया जी का ये जो पॉइंट है कि एक ही तरह का टैक्स होना चाहिए, इस पर भी विचार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमी चौधरी, और लखोटिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल इंतजार करना होगा 20 जून का, जब सीबीडीटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह से